हेलो फ्रेंड, आरवी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड? आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करूंगी, आज मैं आपके साथ एक सब्ज़ी मसाले की रेसिपी शेयर करूंगी फ्रेंड। फ्रेंड अगर आप इस मसाले को बनाकर रख देंगे तो आपको सब्ज़ी बनाने में बहुत ईजी है पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, हम लोग अपनी सब्ज़ी मसाला बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड, मसाला बनाने के मैंने लिया है इस चम्मच से 6 चम्मच सूखा धनिया, 5 सूखा मिर्चा, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 चम्मच जीरा खड़ा जीरा, 2 चम्मच काली मिर्च, 6-7 तेज़पत्ता, आधा चम्मच मेथी दाना। फ्रेंड, मेथी दाना आपको आधा ही चम्मच लेना है, मेथी दाना बहुत कड़वा होता है इसलिए आपको आधा चम्मच ही लेना है। 2 दालचीनी का टुकड़ा, 9 से 10 लौंग, और फ्रेंड 2 टुकड़ा छोटा वाला जायफल। फ्रेंड, हमको इस सारे मसाले को हल्का सा गर्म करना है। फ्रेंड इसको भूनना नहीं, बस हल्का सा गर्म करना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारे मसाले को कढ़ाई में डाल दिया है। फ्रेंड इसको आपको धीमी आँच पर हल्का सा गर्म करना है। फ्रेंड अगर आप इसको तेज़ आँच से भूजेंगे तो इस मसाले का जो स्वाद होता है वो जल जाएगा फ्रेंड, इसलिए आपको उसको धीमी आँच पे भूनना है, बस हल्का सा गर्म करना है। फ्रेंड हमारे मसाले गर्म हो चुके हैं, अब हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने मसालों को एक बर्तन में निकाल दिया है। फ्रेंड जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको पीसेंगे। फ्रेंड मैं इसको आपको पीसने का तरीका ही बताऊँगी जिससे इस मसालों का जो टेस्ट होता है इसमें बरकरार रहेगा। फ्रेंड अगर आप ऐसे मसाला बनाकर रख देंगे ना तो आपकी सब्ज़ी बनाने में बहुत ही आसानी पड़ेगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अपने मसालों को एक मिक्सर जार में डाल दिया है, अब इसका हमें पाउडर बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने मसालों को पीस लिया है। ये देखिए फ्रेंड कितना महीन हुआ है ना। आपको ऐसे ही पीसना है। फ्रेंड आप जब भी मसालों को पीसिएगा तो मिक्सी को कंटिन्यू मत चलाइएगा, रुक रुक चलाइएगा। फ्रेंड एक बार चलाइएगा फिर बंद कर दीजिएगा, फिर चलाइएगा फिर बंद कर दीजिएगा। फ्रेंड इससे क्या होगा फ्रेंड, आपकी मिक्सी गर्म नहीं होगी और आपके मसालों का जो टेस्ट है वो बरकरार रहेगा। फ्रेंड आप लगातार चलाएंगे तो मसालों का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड इसीलिए आप लोग जब भी मिक्सर चलाइएगा उसको रुक रुक कर चलेगा। फ्रेंड इससे आपका मसालों का जो टेस्ट है उसमें बरकरार रहेगा। फ्रेंड तो बताइएगा फ्रेंड आपको ये मसालों की रेसिपी कैसी लगी। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फ्रेंड जब भी आप सब्ज़ी बनाएं उस सब्ज़ी में 1 चम्मच ये मसाला डाल दीजिए, उससे आपकी सब्ज़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। फ्रेंड आप इन मसालों को एक एयर टाइट डिब्बे में बंद कर रखिएगा फ्रेंड, तो आपके मसाले बहुत टाइम तक चलेंगे फ्रेंड, ख़राब नहीं होंगे। फ्रेंड